एक फिर चित्र प्रस्तुत करने के लिए आज मेरे साथ है चुन्नीलाल, जिनके निजी जीवन के बारे में और उनकी वृद्ध अवस्था की समस्याओं के बारे में हम कुछ जानेंगे। तो नमस्कार चुन्नीलाल जी। आपका बचपन कहाँ बीता? बचपन तो पहले कुछ दिन घर पर थे, घर से बाद बाहर निकले, बाहर में मजदूरी करते खाते चले आए। एक भाई था वो भी मर गया, मरने के बाद अपना मैं पढ़ाई छोड़ दिया। तब से मैं निपर होकर के किसी न किसी तरह से अपना गुजारा करते आए और अभी भी करता ही हूँ। आपकी समस्याएं काफी ज्यादा है? हाँ, समस्या तो हमारी बहुत काफी है, लेकिन क्या करूँ, किससे कहने जाए, अपनी समस्या अपने समझ कराना पड़ता है। तो आपके कोई बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, लेकिन घर पर हैं, अभी कोई कामयाब भी नहीं है। अभी उनकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? 10वीं क्लास तक। और आपकी कहाँ तक पढ़ाई हुई है? हमने तो आपसे बोल दिया कि बचपन में हम लोग दो भाई थे, हमारे भाई एक मर गए, वो भाई की चिंता में मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। कब तो आपने अपनी शादी कब की? शादी की है मैं 1959 में। हाँ जी, आपका जन्म कब हुआ था? 1947 में। किस दिन? दिन तो नहीं मालूम है, पहले के जमाने में लोग दिन थोड़े लिखते थे। अब न इतना दुनिया पढ़ा लिखा हुआ तो आदमी तीन टाइम लिख लेते हैं जन्मदिन का, लेकिन पहले का आदमी इतना बहुत सीधे साधा थे, लिखते नहीं थे। तो भगवान करे आपकी समस्याएं दूर हो जाएं और आप अपनी जिंदगी में और सफल हुए और आपका भगवान सदैव भी खुश रखे। बाबू ये आप लोगों का प्रेम दुआ मुझे बहुत खुशी हुआ और हमारा भी दुआ है कि आप विद्या में पास हो के आप हमेशा खुश रहें। शुक्रिया।